नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी जंक्शन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 सितंबर की करंट अफेयर का लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित किया गया है। 2006 से अब तक देश में 49 टाइम्स अलग अलग राज्यों में 225 स्थानों पर यह बीमारी फैली थी और इस दौरान करीब 83.5 लाख पक्षियों को मारा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान ने किस देश को 224 रन से हराकर विदेश में अपनी पहली जीत टेस्ट जीत दर्ज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की है और वो भी उसको 224 रन से हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आनंद विभाग हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ने एक टाइम बैंक स्थापित करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस टाइम बैंक के जरिए अर्जित समय का उपयोग बिना किसी कागजी मुद्रा का भुगतान किए किसी नए कौशल को सिखाने हेतु किया जाएगा और इसकी शुरुआत स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से विभाग के साथ पंजीकृत 50,000 स्वयंसेवक सामुदायिक स्तर पर बैंक बनाएंगे। और ये कहाँ पे शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए किस सेवा नामक एक योजना शुरू कर रही है? मतलब एयर इंडिया अपने यात्रियों के लिए किस सेवा नामक एक योजना शुरू कर रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नमस्कार सेवा। इस सेवा के माध्यम से एक एयरलाइन कर्मचारी हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार से लेकर यात्रियों की विमान की सीट तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। यह सेवा पहले सिर्फ एयर इंडिया के बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन यह अब सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। जल्दी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस सेवा को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र की ग्रामीण सड़कों को पक्का कर राज्य में संपर्क ढांचा बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक WDB कितने करोड़ डॉलर का ऋण देगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 करोड़ डॉलर। इसका आंसर हो जाएगा 20 करोड़ डॉलर। समझौते का उद्देश्य महाराष्ट्र के 34 जिलों की ग्रामीण सड़कों को पक्की सड़कों में परिवर्तित करना है ताकि सड़क सुरक्षा और बाजारों और सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क ढांचा बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCCI ने साल 2014 में ललित मोदी को अध्यक्ष चुनने के बाद किस क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है? किस क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिबंध हटा दिया दोस्तों? आपके ऑप्शन हैं झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान, दिल्ली और बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। प्रतिबंध हटने के बाद अब RCA में नए चुनाव की घोषणा भी की गई है और ये चुनाव 28 सितंबर यानी 28 सितंबर के पहले ये चुनाव कंप्लीट कराने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व चैंपियन मीराबाई चानू किस देश में 18 सितंबर से 27 सितंबर तक होने वाले भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में भारत की 7 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेगी? ये भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप किस देश में हो रही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। विश्व चैंपियनशिप टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट है। याद रखना दोस्तों,
टोक्यो ओलंपिक 2020 में होंगे और ये विश्व चैंपियनशिप जो अभी हो रही है और ये हो रही है क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए। थाईलैंड में अभ्यास कर रही टीम में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, और मेरा भाई चानू है उसको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता एवं कथक डांसर का मुंबई में निधन हो गया? आपके ऑप्शन है फैसल खान, अरुण सचदेव, वीरू कृष्णन, अमित कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा वीरू कृष्णन। वीरू कृष्णन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कथक डांसर भी थे। वे कथक गुरु के साथ साथ कई फिल्मों में काम किया, जैसे अकेले हम, अकेले तुम, राजा हिंदुस्तानी, इसके कई सारी फिल्मों में उन्होंने कई किरदारों में अपना किरदार निभाया है। उनको राजा हिंदुस्तानी फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने वनडे टीम के कप्तान जेसन होल्डर और T20 की टीम के कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट को हटाते हुए उनकी जगह किसे टीम की जिम्मेदारी सौंपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कायरन पोलार्ड। पोलार्ड को टीम का कैप्टन चुना गया है। कायरन पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज़ के लिए 101 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 26 के औसत से 2289 रन बनाए हैं। पोलार्ड ने 3 वनडे शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने 62 T20 मैचों का अनुभव भी है। उनको पोलार्ड को 62 T20 मैच का अनुभव भी है, जिसमें उन्होंने 903 रन बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच छठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता SED नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग का बढ़ावा देने हेतु सहमत हुए हैं? आपके ऑप्शन है नेपाल, रूस, चीन और जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है भारतीय चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता के दौरान 6 कार्य समूह में व्यापारिक एवं परिणाम उन्मुख विचार विमर्श किया गया। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने व्यापार और निवेश की समीक्षा के लिए गहन विचार विमर्श भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से संबंधित है और यह है, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कितनी बार US ओपन का खिताब जीता है? राफेल नडाल ने कितनी बार US ओपन का खिताब जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। राफेल नडाल ने 4 टाइम US ओपन का खिताब जीता है। कौन कौन से सन में जीता था? 2010, 2013, 2017 और 2019 में। ठीक है दोस्तों, ये राफेल नडाल के करियर का यह 27वां ग्रैंड स्लैम फाइनल था और उन्होंने 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हो रहा है? और भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में हो रहा है, याद रखना दोस्तों। ये थाईलैंड में आयोजित की जा रही है और इसमें भारतीय टीम की अगुवाई कौन कर रही है? मेरा भाई चालू। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव कुमार को किस कंपनी के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को किस कंपनी के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए MD के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। और आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत डोरियन तूफान प्रभावित देश बहामास के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? बहामास एक कंट्री है, वहाँ डोरियन तूफान से प्रभावित है, तो भारत उसके लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा $1 मिलियन। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर और इन करंट अफेयर्स की PDF
लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ई स्टडी जंक्शन से प्राप्त की जा सकती है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।